मैं प्रधानमंत्री का एहतराम करता हूं, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री के झूठ से नफरत है। विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है किसी भी राजनेता की। ये वो कमल का फूल नहीं है जो धूप में मुरझा जाएगा, ये तूफानों में भी इंसान की नैया को खेता है। मिट्टी के बर्तन की तरह होता है, एक बार टूट गया थूक लगाते रहो, गूंद लगाते रहो, फिर जुड़ता नहीं। जो विश्वास था मोदी साहब पे वो चकनाचूर हो गया है। जो लहर थी 2014 की वो कहर बन गई है आम आदमी पे, जहर बन गई है आम आदमी के लिए। मोदी साहब सिर्फ पूंजीपतियों की, बड़े बड़े पूंजीपतियों की कठपुतली बन के रह गए। किसान जब भी 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए देनदार होता है, मुनियादी कराते हो, ढोल पिटवाते हो, जलील करते हो, नीलामी करवाते हो, तो अडानी साहब की बिल्डिंगों की नीलामी तुमने क्यों नहीं करवाई? वो देश का पैसा है, 1 लाख करोड़ देनदारी है। तुम लोग प्रेस वाले छापते नहीं हो, पता नहीं क्या तुम्हारी भी सुमड़ी में घूम रही है, मुझे समझ नहीं आता। मैं इतनी बार बोल चुका, चलाओ, बहुत ठोक के चलाओ। सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं होता है। एक बात, ये बात, योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर। सर, आपके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं आप, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, यहाँ उठा रहे हैं जब आपके मध्यप्रदेश आने, मैं कह रहा हूँ, वो तो रंग ले आई करतारपुर साहब का, 15-16 करोड़ लोगों के लिए वो अमृत दाई सिद्ध हो गई। वो राफेल डील तो नहीं थी, अंबानी साहब की डूबी हुई 7500 करोड़ रुपए की कंपनी, हाँ, डिसॉल्ट 10 रुपए का शेयर 1100 में खरीदती है, वो ये डील तो नहीं थी, हाँ? डीलें करते हो, मखौटे लगाते हो, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। ये नकली चेहरा जो है ना, मुखौटा उतार के फेंक दिया है लोगों ने, याद रखना। बोलो, अंबानी साहब 45,000 करोड़ के देनदार हैं, किसान को तो जेल में ठोकते हो, नीलामी करवाते हो, गरीब की बेटी मरे तो कोई ना जाए, और अमीर की बकरी मरे तो सारे जाएं, हैं? पूछो इनसे, 45 गुजरात के, अकेले गुजरात के 1 लाख करोड़ अडानी, 45,000 करोड़ अंबानी, 22,000 करोड़ आलोक इंडस्ट्रीज, जिसको बैड डेट शो करके 5,000 करोड़ ने अंबानी साहब ने खरीद लिया, हैं? एसआर इंडस्ट्रीज 37,000 करोड़। क्या भैया ये बड़े बड़े पूंजीपति कह रहे हैं नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा? कहां कदरदान अडानी जैसा मिलेगा? क्यों? सत्य हजम करो, सामने आओ, बताओ देश को कि ये सत्य है कि नहीं। सुनो, यूपीए के टाइम 2 लाख करोड़ के एनपीए थे, और सब सरकारी बैंकों के, कोई प्राइवेट बैंक का नहीं है मेरे दोस्त, कोई प्राइवेट बैंकों का नहीं है, क्योंकि सरकारी बैंकों में पॉलिटिशियन फोन करता है, दे दो, हमारे दोस्त हैं, हमारे बच्चे इनके वकील हैं, दे दो, दे दिया। 2 लाख करोड़ के यूपीए के टाइम पे थे, आज 15 लाख करोड़ के हैं। आप उन बड़े बड़े पूंजीपतियों को जेल में क्यों नहीं ठोकते? आप उनको, उनसे पैसे क्यों वसूल नहीं करते? 15 लोग राजन लिस्ट में, मोदी साहब बताएं आज तक क्यों नहीं इशू की? 1400 लोग सुप्रीम कोर्ट में, जेठमलानी साहब से बड़ा वकील तो कोई नहीं, लिंकनस्टाइन बैंक, एचएसबीसी बैंक, स्विस बैंकों में 50% और नोट बढ़ गए। तो अगर आप सोचते थे कि ब्लैक मनी हिंदुस्तान में है, कोई बोरियों में नहीं छुपा के रखता मोदी साहब, ब्लैक मनी जो है कोई मंजों के नीचे छुपा के नहीं रखता, ब्लैक मनी यूरो के रूप में, डॉलर के रूप में, पाउंड के रूप में विदेशों को तगड़ा कर रही है, और हमारा रुपया डूबता चला जा रहा है। दूसरी बात, यदि आप कहते थे कि हिंदुस्तान में ब्लैक मनी है तो 99.3% वापस कैसे आ गए? और अमित शाह जी ने ब्लैक मनी को पर्पल गुलाबी कैसे कर लिया? 735 करोड़ रुपए अमित शाह जी के अहमदाबाद के बैंक में 5 दिन में जमा होते हैं। अगर 1 घंटे में जमा कराने हो ना 2.5 लाख, तो 12,000 लोगों को जमा कराना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं 12 लोग थूक से गिनते हैं नोट, वो कॉपरेटिव बैंक 12 लोग जमा करा जाए, मैं टांगों के नीचे से निकल जाऊं। सुन लो और सुन लो, प्रधानमंत्री सुन लो ना, मैं कह रहा हूं सुन भैया, किसी इंडिविजुअल से कुछ करवा दो उसका कुछ फर्क पड़ता है? मैं उनकी माता जी का आदर करता हूं, लेकिन मैं भारत माता का भी आदर करता हूं जिसका चीरहरण हो रहा है, हैं? यहां रेप 21% बढ़ गए, यहां 15 करोड़ रेप है, मध्य प्रदेश नंबर 1 आ गया, छत्तीसगढ़ में 27,000 औरतों
को अगवा करके मंडियों में बेचा गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या क्या तथ्य रह गए इनके? 15 साल पुरानी गाड़ी है ये, धुआं मार रही है काला, लोग कह रहे हैं बदल दो इसको। ये मृग तृष्णा थी कि ये होगा ये होगा, देखा ना मृग तृष्णा, पानी यहां है, 15 साल इस मृग तृष्णा में गुजरे। लेकिन आज सच्चाई सबके सामने आ गई और नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ सच के लिए लड़ता है। सुन ले बात बड़ी तगड़ी कर रहा हूं मैं, योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। पूछो नरेंद्र भाई मोदी से, लगाते हैं गांधी साहब की ऐनक, बनाते हैं पटेल साहब का पुतला, ठीक है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। लेकिन गांधी जी जब कोई निर्णय लेते थे आंख बंद करके सोचते थे कि भाई मेरा निर्णय कतार में जो आखिरी आदमी खड़ा है बेहाल है उसको कैसे असर करेगा? किसान बर्बाद, आम आदमी बर्बाद, आबाद कौन? अडानी। क्या अंदर की बात है, क्या लक्ष्कोजी बात है ऐसी कि भाई आप इनको कुछ नहीं कहते, किसानों को अंदर ठोकते हो, किसानों की नीलामी कराते हो, हाँ? अपना कोहड़ बढ़ता जाए, दूसरों को दवा बताए। आपने 2,70,000 करोड़ रुपए इन अमीरों के माफ कर दिए, उसे कहते हो इंसेंटिव, और किसान को देते हो अगर 5 रुपए तो उसको कहते हो सब्सिडी। क्यों क्यों कर्जे माफ नहीं किए तुमने? और तुम्हारी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो है, मेरे पास देखो आंकड़े हैं सारे इनके, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 2013 में जो उन्होंने बनाई थी स्किल डेवलपमेंट की, सिर्फ 12% लोग उसमें सेटल हुए हैं, है? फिर उन्होंने कहा कि हाउसिंग फॉर ऑल, 5 करोड़ लोगों के लिए घर बनाने थे, 25 लाख के लिए बने हैं। कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या है? क्या है? फरेब है। और ये जो ऑयल है, देखिए तेल के ऊपर इन्होंने 450% ड्यूटी लगा दी, डीजल के ऊपर डीरेगुलराइज कर दिया, यूपीए ने नहीं किया था। ये 56 इंच की छाती से कुछ नहीं होता, दिमाग से सब कुछ होता है। सरदार मनमोहन सिंह ने तब डीरेगुलराइज कर दिया था डीजल को, क्योंकि वो मानते थे कि डीजल जो है वो किसान की लाइफलाइन है। इन्होंने डीरेगुलराइज कर दिया डीजल को, डीजल पे 450 गुना ड्यूटी बढ़ा दी, पेट्रोल पे 211 गुना ड्यूटी बढ़ा दी। अब मैं तो आपको पूरे एग्जैक्ट फिगर देता हूं, मई 2014 में 9.2 रुपए थी 1 लीटर डीजल पे, इन्होंने 19 रुपए कर दी, और ये पेट्रोल की है, और डीजल की है 443%, ये थी 3.46 रुपए 1 लीटर के ऊपर, तो इन्होंने कर दी 15.33। और जब सुनना बड़ी जबरदस्त बात है, ये इनको जवाब नहीं आएगा, जब जब $150 का एक बैरल था तेल इंटरनेशनल मार्केट में, सरदार मनमोहन सिंह ने 80 रुपए से ऊपर नहीं जाने दिया, सरदार थे असरदार थे, राइट? फिर इनका 40 रुपए पे एक बैरल आया, $40 पे, तो मोदी जी ने वो फायदा आम आदमी को दिया, 4 गुना सस्ता किया, जीएसटी के एसेंशियल कमोडिटीज के एम्बिट में लाए, 45 रुपए से ऊपर नहीं होता। फायदा किसको दिया? रिलायंस के पेट्रोल पंप जो $150 जब बैरल था बंद हो गए थे, एसआर के पेट्रोल पंप जब 40 पे गया एक बैरल तो खड़े हो गए रिलायंस के पंप, खड़े हो गए एसआर के पंप। क्यों भाई? अमीर का चिराग जलने दो और गरीब की झोंपड़ी जलने दो, क्यों? कहते तो तुम हो अंत्योदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो स्कीम है वो अंत्योदय, आखिरी बंदा कतार में। तो जब गांधी जी सोचते थे तो वो आखिरी बंदे की सोचते, तो तुम जब आंख बंद करते हो तो तुम्हें अडानी जी दिखते हैं, क्यों भाई? जवाब दो ना, इन बातों का जवाब चाहिए। अब प्रेस वाले भी पता नहीं क्या बात है, सुमड़ी में गुमड़ी है इन लोगों के खिलाफ। चलो बहुत बढ़िया यार, ठोको, मैं तो कहता हूं मत रोको गुरु, ठोको, क्योंकि ये असली चीज जो है, ये असली चीज जो है ये यही है। और मैं आज आपको बड़े मतलब कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि ये चीजें आम आदमी को समझाने में आम भाषा चाहिए। तुमने एक मिनट, तुमने क्या यार, तुम अपना सवाल उसको रख, वो प्रोब हो रहा है, मुझे पता है तेरे मन में क्या है, मैं अंदर की पूछता हूं, वो जो प्रोब है वो वही बताएंगे। अब सुनो, तुमने कैश को कटघरे में खड़ा कर दिया, लाइन में कौन लगा? गरीब। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वो किसान जो 300 रुपए में दिहाड़ी करता है क्या वो चोर है? वो गृहिणी जो 500 रुपए बचाती है छुप छुप के अपने घर वाले से क्या वो चोर है? क्या वो दिहाड़ी वाला 400 रुपए वाला क्या वो चोर है? चाय वाले की ढाबे वाले की दुकान पे काम करने वाला चोर है 400 रुपए दिन में कमाने वाला? ये इन्फ्लेशन जो है ना, रुपया नीचे गिरा
اور ڈالر پاؤنڈ یورو تگڑے ہو گئے، یہ انفلیشن کا اثر اس غریب پہ پڑتا ہے جو 400 روپے کماتا ہے، کیونکہ اس کے 400 روپے کی ویلیو 100 روپیہ رہ جاتی ہے، جو اس کو 400 روپے میں 10 چیزیں ملتی تھی ایک نہیں ملتی. اور اگر 90 لاکھ کروڑ جو مودی صاحب کہتے تھے واپس آتے، تو بھائیا 90 لاکھ کروڑ اگر واپس آتے تو چپس کا پیکٹ جو غریب کو 30 روپے میں ملتا 3 روپے میں ملتا. یہ باتیں سمجھانی بہت ضروری ہیں. تم نے میں کیوں لیٹ آیا؟ میں دیر آیا درست آیا، جب بلایا ٹھان کر کے آیا. اور دوسری بات، یہ ان لوگوں نے سمڑی میں گمڑی بنا رکھا تھا، مایا جال بن رکھا تھا، ان کا مایا جال ٹوٹ گیا. چھوڑ دیا ہے برہمستر، چھوڑ دیا ہے برہمستر ہم نے راہل بھائی گاندھی کھٹاک چھوڑ دیا ہے. بھائی برے دن جانے والے، ہمارا بھی تو لوگو ہے بھائی، برے دن جانے والے ہیں. اور راہل بھیا پردھان منتری بن کے آنے والے ہیں، روک سکے تو روک.